मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सेवई कटलेट बनाना बताती हूँ। सेवई कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस के ऊपर कढ़ाई रखी, उसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच से वेजिटेबल ऑयल डाल करके उसमें 1 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च सूखी हुई और 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा डाल करके उसको क्रैक होने तक पकाई। उसके बाद इसमें मैं 2 कटे हुए प्याज को डाल करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूंगी। उसके बाद इसमें करीब 1/2 किलो उबला हुआ आलू डाल करके मैश करके और इसको आलू को भी मैं इसमें थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। उसके बाद उसमें 1/2 चम्मच हल्दी छोटे चम्मच से और छोटे चम्मच से ही 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और छोटे चम्मच से 2 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर आता है, उसे ऐड कर दें और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। सारी चीज़ों को डाल करके और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए भूनें और इसको अच्छे से मैश कर लें और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए अलग रख दें। और यदि आप चाहें तो इसमें भुना हुआ पीनट और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और धनिया पत्ती ऐड कर लें और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और अब 1 कटोरी में करीब छोटी कटोरी से मैदा लेकर के और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और उसके बाद उसका एक बैटर तैयार कर लें। बैटर बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं होना चाहिए और उसे भी रख लें। उसके बाद सेवई पतला वाला जो सेवई रहता है उसको लेकर के टुकड़ा टुकड़ा कर ले छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद आलू का जो मसाला है उसको हाथ में लेकर के उसको गोल करें चपटा करके और उसके बाद जैसे टिक्की बनाते हैं उस तरह से उसके बाद उसको मैदा में कोट करें और उसको उसके बाद फिर उसको सेवई उसके ऊपर कोट कर दें सेवई से और उसके बाद इसको तलें या एक एक करके तल लें उसको ब्राउन होने तक और एकदम क्रिस्प उसको तले। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है, बच्चों को या किसी को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। इसीलिए इसको आप अपने घर में बनाएं, खाएं, औरों को खिलाएं और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखें, ये अभी जब मैं सेवई कटलेट तल रही हूँ तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैं ऑयल नहीं डाली हूँ क्योंकि एक बार ज़्यादा ऑयल डालने से सारा ऑयल जो है सो जल जाता है और फिर जला हुआ ऑयल यूज नहीं करना चाहिए दोबारा। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे आपको लगे वैसे आप बनाएं और यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा ऑयल डालें। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ इसलिए इसको धीरे धीरे मैं एक एक पीस दो दो पीस करके इसमें मैं तलूँगी। तो आप भी इसको अपने घर में बनाएं और इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप इसको घर में बनाएं, खाएं, औरों को खिलाएं और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।